बीडीसी 2014 बैच की ट्रेनी डाइट बाद मथुरा से नीरज कुमारी आज आपको मुगल साम्राज्य की स्थापना के विषय में कक्षा 7 को पढ़ाएंगी। चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। तो आज का विषय मुगल साम्राज्य। आपको पता है भारत ने अंग्रेजों से पहले भी शासन किया है, बहुत सारे शासकों ने। अच्छा बताओ, भारत को क्या कहा जाता था? क्योंकि भारत में बहुत अधिक धन दौलत होने के कारण भारत को क्या कहा जाता, सोने की चिड़िया। और यही कारण था कि बहुत सारे शासक जो थे भारत में आया करते थे और धन को लूटने की कुछ तो धन को लूट ले जाया करते थे और कुछ यहाँ पे बहुत वर्षों तक शासन किया करते थे। ठीक है, चलो अब हम इसी को जोड़ते हुए मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा बताओ, मुगल साम्राज्य की का जो की स्टार्टिंग जो हुई थी उससे पहले कौन सी सल्तनत थी? मृत्यु हो गई, यानी एक साल बाद वो भी
हुमायूं भी चला गया, बाबर भी चला गया, शेर शाह सूरी जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट काम किया था, उसने जीटी रोड बनवाई थी। क्या बनवाई थी? जीटी। और वो कौन से वंश के संस्थापक थे? असुर वंश। ठीक है, चलो अब हुमायूं जब चला गया तो उनका जो पुत्र था वो कौन? अकबर। ठीक है, अकबर आया। भाई अकबर ने भी बहुत सारे काम किए। अकबर का शासन काल बड़ा काफी बड़ा था, काफी लंबा था। कब से? 1605 तक उसका शासन काल चला और बहुत काफी मतलब काफी बड़ा रहा। और उसने क्या किया, इसमें बहुत सारी भवन निर्माण करवाए, इमारतों का निर्माण करवाया, यानी अकबर ने बहुत सारे काम करे अपने। ठीक है, इसमें और अकबर जो था वो बहुत ही एक अच्छा और निपुण शासक रहा। इसके बाद यानी उसने इतने सारे काम किए और अकबर का भी शासन काल फिर फिनिश हो गया। अकबर का शासन काल जब फिनिश हुआ उसके बाद फिर उसका पुत्र कौन आया? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो था वो अकबर का पुत्र था और जिसका शासन काल था 1605 से लेके 1627 तक। तो इसका भी शासन काल बहुत ज्यादा तो नहीं चला था, लेकिन काफी इसने भी अच्छे काम किए और इसका शासन काल भी समाप्त हो गया। और इसके बाद उसका बहुत जो योग्य पुत्र था वो आया शाहजहां। शाहजहां जो है वो बहुत प्रसिद्ध शासक है। शाहजहां जो है उसका शासन काल 1627 से 1658। अच्छा बताओ ताजमहल नाम सुना है ना? Yes. अच्छा बताओ किसने बनवाया? शाहजहां ने। वेरी गुड। तो शाहजहां जो था उसने ताजमहल का निर्माण किया और बहुत सारी इमारतों का जो निर्माण किया वो शाहजहां ने किया। जैसे अकबर था, अकबर के शासन काल में बहुत सारी इमारतों का निर्माण हुआ। कौन कौन सी? आगरा फोर्ट। ठीक है, उसके अलावा जो बुलंद दरवाजा है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में उसका निर्माण भी किसने किया? अकबर ने। ऐसे ही शाहजहां ने किसका? शीश महल का, ताजमहल का। ठीक है, ये सारे जो इमारतों का निर्माण करवाया वो शाहजहां ने करवाया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया मुगल साम्राज्य में। उसके बाद इनका शासन काल जो था 1658 में समाप्त हो गया। शाहजहां के बाद शाहजहां का पुत्र आया औरंगजेब। और ये पुत्र बहुत ही कुपूत पुत्र था, मतलब बहुत बेकार था। इसने बहुत सारे बेकार काम भी किए। ठीक है, इसने इवन अपने जो पिता थे वो शाहजहां उनको बंदी बना लिया, कारावास में डाल दिया। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन 1658 से लेके 1707 तक इनका शासन चला। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे अनेक शासक और आए पर वो बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। इस तरीके से मुगल साम्राज्य का भी धीरे धीरे क्या होने लगा? पतन। लेकिन अंतिम शासक जो थे वो कौन है? बादशाह। और इस तरीके से मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको सीक्वेंस में बताया कि मुगल साम्राज्य में कौन से शासक आए। देखो अभी बताया था बाबर जो है वो 1526 में आया और 1530 तक उसने शासन किया। हुमायूं 1530 में 40 तक। उसके बाद शेर शाह सूरी आया 1540 से 1555। उसके बाद हुमायूं 1555 से 56 से आ गया वो। उसके बाद अकबर 1556 से 1605। फिर जहांगीर 1605 से 1627। उसके बाद शाहजहां 1627 से 1658। उसके बाद औरंगजेब 1658 से 1707। और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो सीरीज हो गई। और भी बहुत सारे शासक थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट शासक थे। सबसे पहला देखो अभी मैंने आपको बताया ये है बाबर। ठीक है, बाबर के बाद देखिए बेटा हुमायूं, बाबर का पुत्र।
आप बताओ। बाबर। वेरी गुड, बैठिए। चलो दूसरा क्वेश्चन है, चलो बाबर जो थे उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका क्या नाम था? हाँ चलो सौरभ तुम बता रहे हो, हाँ बताओ। बाबरनामा। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? हाँ पायल बताओ। बहादुर शाह जफर सैकिन। वेरी गुड, बहादुर शाह जफर सैकिन। अच्छा बताओ ताजमहल किसने बनवाया? हाँ बताओ बेटा। शाहजहां ने। वेरी गुड। मुगल साम्राज्य का जो आपका गृह कार्य है आज का, मुगल साम्राज्य की इसमें बनाई गई इमारतों के नाम लिखकर सब लोग अपनी कॉपी में लेके आइएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।